हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर ए के मौर्य। आज हम बात करेंगे सर्दियों में पेट में ठंड लगने के क्या कारण होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और ऐसा क्यों होता है और इससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। आइए आज बात करते हैं। सर्दियों में अक्सर हमारे पेट में ठंड लग जाती है जिसकी वजह से हमें दिक्कत होने लगती है, पेट दर्द होता है, पेट में मरोड़ उठते हैं और लूज़ मोशन होने लगते हैं। तो ऐसा किस वजह से होता है और क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है इसलिए जो टेम्परेचर होता है वो डाउन हो जाता है और समस्याएं पेट से जुड़ी बढ़ने लगती हैं। कई बार शरीर में ठंड लगना एक अलग बात होती है और पेट में ठंड लगना एक अलग बात होती है। पेट में डाइजेशन स्लो हो जाता है जिसकी वजह से ठंड लगने पर और पाचन सही से नहीं हो पाता, जो खाया पिया है वो हजम नहीं हो पाता जिसकी वजह से शरीर में ठंड लगने लगती है। और ये हम हर उम्र के लोगों के साथ, बच्चे बूढ़े जवान सभी के साथ हो सकता है। अगर आपने प्रॉपर कपड़े नहीं पहने हैं और शरीर में गर्मी नहीं है, जिस हिसाब से मौसम ठंडा है, तो पेट में ठंड लग जाती है, पेट ख़राब हो जाता है और इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है पेट से, जिससे लूज़ मोशन होने लगते हैं। तो सर्दियों में पेट में ठंड ना लगे और ठंड के मौसम में लगातार अगर आप ठंड में बाहर घूम रहे हैं, आपने प्रॉपर कपड़े नहीं पहने हैं, तो ठंड लगने का एक ज़्यादा वो हो जाता है। क्योंकि कई बार पेट में, पेट का जो टेम्परेचर है वो, पेट का एरिया है वो आपका गर्म होना चाहिए, उसकी वजह से पेट में अकड़न हो जाती है, तेज़ दर्द, उल्टी होने लगती है कई बार। तो आज जानते हैं इसके बारे में, पेट में ठंड लगने पे क्या लक्षण नज़र आते हैं शरीर में। पेट में ठंड लगने के कई गंभीर लक्षण होते हैं। पेट में तेज अकड़न हो जाती है, दर्द होने लगता है और साथ ही पेट खराब हो जाता है, दस्त की समस्या बनी रहती है, कई बार वोमिटिंग होने लगती है और वोमिटिंग होने के कारण डिहाइड्रेशन भी जल्दी हो जाता है क्योंकि सर्दियों में लोग पानी भी कम पीते हैं और पाचन क्रिया इससे प्रभावित होती है और खाना हजम होने में मुश्किल होने लगती है। और कई बार ये थोड़ा कई दो तीन दिन तक, चार दिन तक पेट में दर्द महसूस होता है, इससे ब्लड शुगर जो है वो भी एबनॉर्मल हो जाता है, शरीर में बुखार होता है, हरारत हो जाती है, फूड पॉइजनिंग भी होती है इससे और कई बार मांसपेशियों में, पूरी बॉडी में पेन होने लगता है और साथ ही कुछ अच्छा खाने का मन भी नहीं करता, मन मचलाने लगता है। तो ऐसी समस्याएं आम होती हैं। इसमें सबसे पहले जो है, अगर ठंड लगने में बात करें तो वोमिटिंग की समस्या हो सकती है। कई बार शीतलहर की चपेट में आने की वजह से पेट में ठंड लग जाती है जिससे वोमिटिंग आने लगती है। तो उसमें आप अदरक वाली चाय का सेवन कर सकते हैं और जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगी तो हल्का सा राहत मिलेगी आपको, वोमिटिंग भी रुकेगी। और कई बार लोगों को पेट में ठंड लगने पर पेट ख़राब हो जाता है, लूज़ मोशन होने लगते हैं और कई बार एक ही घंटे में तीन चार बार लूज़ मोशन हो जाते हैं जिससे बॉडी में वीकनेस आने लगती है। और पेट में ठंड लगने पर शरीर में पानी की कमी होती है जिसको आपको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। और पेट में ठंड लगने की वजह से आपके शरीर में दर्द भी होने लगता है और कई बार शरीर में दर्द होने पर ये लक्षण नज़र आने लगते हैं, हल्का सा बुखार हो जाता है, हरारत होती है, कमजोरी का अनुभव होने लगता है। तो इसके अलावा आपको जुखाम का भी लक्षण दिखने लगते हैं पेट में ठंड लगने पर और कई बार सर्दी में चलने वाली ठंडी हवाओं से जुखाम हो जाता है, नाक बंद की भी समस्या हो जाती है। और लूज़ मोशन में वैसे भी आप पानी के संपर्क में रहेंगे तो जुखाम हो जाता है। और पेट में अकड़न होने लगती है जिसमें पेट में अकड़न में पेट कड़ापन होने के साथ तेज़ दर्द होने लगता है, पेट में ऐठन होने लगती है, वोमिटिंग की समस्या हो जाती है जिससे डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है और दर्द आपको कई दिन तक महसूस होता है जिससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है और आपका खाना सही से हजम नहीं हो पाता। और इसमें थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन की भी समस्या हो जाती है ज़्यादा ठंड लगने की वजह से। तो और ऐसी सिचुएशन में आप पेट में ठंड लगने से बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पेट में ठंड लगने से बचाने के लिए सर्दियों में अपनी डाइट में अच्छे फूड और ड्रिंक शामिल करें, शरीर को जो गर्माहट दें, जैसे हल्दी का दूध है, गुड़ है, हर्बल चाय है और आप तिल का सेवन कर सकते हैं जिससे शरीर में ये, इनकी तासीर गर्म होती है तो हल्की सी गर्मी बनी रहती है। और सुबह और रात में आप अगर बाहर निकल रहे हैं तो अच्छे से प्रॉपर कपड़े पहन के निकलें, अगर ज़रूरत ना है तो बाहर निकलने से परहेज़ करें और जिससे सर्दियों से आपकी हिफाजत हो सके क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत लो होता है। अगर बेवजह आप इधर उधर टहलने निकलते हैं तो उससे समस्या होती है। और सर्दियों में नियमित तौर पे आप शहद का सेवन कर सकते हैं,
क्योंकि इससे शरीर में गर्माहट बनी रहती है। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शहद नेचुरल होता है और शुगर की जगह आप शहद का इस्तेमाल करें। और पानी जितना भी आप सेवन करते हैं तो ठंडा पानी की जगह आप गुनगुना पानी सेवन करें, जिससे आप पानी ज़्यादा मात्रा में सेवन भी कर पाएंगे, क्योंकि सर्दियों में डिहाइड्रेशन की समस्या बहुत होती है, क्योंकि पानी प्यास बहुत कम लगती है तो लोग कम पानी का सेवन करते हैं। इससे बचने के उपाय में सबसे पहले आप हींग का पानी पी सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी की वजह से ये पेट दर्द को कम करता है, मरोड़ और दर्द को कम करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। आप पेट की गर्म कपड़े से और वाटर बॉटल से सिकाई भी कर सकते हैं, इसमें भी बहुत फ़ायदा मिलता है पेट को, और जो उसकी नसें होती हैं, जो लक्षण होते हैं, उसमें आराम मिलता है पेट को, तो ये ठंड के लक्षणों को कम करने में हेल्पफुल होता है। साथ ही आप तुलसी, अजवाइन और शहद का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया भी, आप तुलसी की चाय भी बना के पी सकते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं, काढ़ा बना के पी सकते हैं, अजवाइन आप उसका पानी बना के पी सकते हैं गुनगुना, और साथ ही आप अजवाइन वैसे भी मसल के खा सकते हैं, और आप शहद का उसमें डाल के सेवन कर सकते हैं, जिससे जो उल्टी के लक्षण हैं, जो मतली के हैं, उसमें आराम मिलता है। और पेट दर्द में जो पेट के ठंड लगने की समस्या होती है, उसके घरेलू उपायों से आपको राहत मिल सकती है। हालांकि ज़्यादा समस्या होने पर आप दवाई का भी तुरंत परामर्श लेके डॉक्टर से सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक इसको रखना ठीक नहीं है। और शरीर के अंदर अगर ठंड लग गई है आपको, तो आप उसमें कई चीज़ें हैं जिसको यूज़ करके आप बचाव कर सकते हैं, जैसे आप वार्म कपड़े पहने, बॉडी वार्मर का इस्तेमाल करें जिससे सर्दी कम लगेगी। सर्दी में टेम्परेचर लो की वजह से डाइजेशन स्लो हो जाता है, तो उस हिसाब से फूड डाइट लें अपनी, और भोजन में आप फाइबर युक्त फूड लें, फल लें, सलाद लें, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, आप सीड्स और फाइबर रिच फूड ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट फैटी एसिड का अच्छा सोर्स होते हैं, साथ ही आप अंडे का सेवन कर सकते हैं, वो भी शरीर में गर्मी लाता है। आप ऑयल से मसाज कर सकते हैं, और नहाने के बाद आप गुनगुने पानी से नहाने के बाद आप बॉडी लोशन का या ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप ऊनी कपड़े, जैकेट, जुराबें, कैप आदि पहन के रहें, ये बहुत प्रोटेक्ट करेगा आपको। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में अपना बचाव करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू, नमस्कार।